नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित देसाई और आप देख रहे हैं युग वाइन टाइम्स। अभिनेत्री समीक्षा भटनागर हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली में कल से उनकी शूटिंग स्टार्ट होने है, ये उनसे बात करते हैं कि कौन सी पिक्चर की शूटिंग करने है। रोज सो एक थ्रिलर है, हॉरर बेस्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है। अपने भूमिका के बारे में बताइए, क्या कुछ है? मैं इसमें एक पर्सनल डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रही हूँ। मेरे कैरेक्टर का नाम समा है, जो इस पूरे मर्डर केस को सॉल्व करती है और कितनी डिफ़िकल्टीज के साथ सॉल्व करती है, कैसे लेयर्स खुलता है। तो बहुत इजी केस नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो काफ़ी इंट्रीग है मेरा रोल, तो मज़ा आएगा। थिएटर हो, सिनेमा हो, OTT हो, सभी प्लेटफॉर्मों में आप एडजस्ट कर लेती है, तो क्या कुछ कहना चाहूँगा? मैं बहुत खुश हूँ और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने सभी मीडियम में काम किया है, एंड स्पेशली आई एम फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, तो बहुत ज़मीन से भी जुड़ी हुई हूँ। बट मज़ा आता है, हर प्लेटफॉर्म का एक अपना एक खूबी है और कुछ मतलब डिफ़िकल्टीज भी होती है। तो अभी राइट नाउ आई एम इन दिस स्टेज वेर आई एम एन्जॉइंग माई वर्क। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत अच्छी रिलीजेज हैं। मेरे लास्ट ईयर वॉज टू गुड। नवंबर में मेरे 6 प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए थे बैक टू बैक, एंड दिस ईयर ऑल्सो एक हो चुका है, हंगामा पे हो चुका है, मौका या धोखा मेरी एक सीरीज़। उससे पहले धारावी बैंक वॉज अ ब्लॉक बस्टर, और अभी मेरे कम से कम 3 से 4 रिलीजेज हैं जो जल्दी अनाउंस होगा। उसके अलावा कहाँ कहाँ आपको देखने वाले हैं? आप OTT पे देखेंगे, आप थिएटर में भी देखेंगे, और आप थिएटर में भी देखेंगे और थिएटर में भी देखेंगे, दोनों जगह देखेंगे। मैं थिएटर भी करती हूँ और थिएटर में मेरी मूवीज़ भी रिलीज़ होने वाली हैं, तो आप OTT सब जगह देखेंगे। दिल्ली की बात करें तो कल से दिल्ली में शेड्यूल है आपका, काफ़ी समय बिताने वाले हैं, तो क्या शूटिंग के अलावा क्या क्या प्लान रहने वाले हैं? मैं दिल्ली बहुत रही हूँ, मतलब बॉम्बे जाने से पहले मेरा घर था यहाँ पर। मैं गुड़गांव की रहने वाली मैं देहरादून की हूँ, लेकिन मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी, तो कम से कम मेरे 6-7 साल मैं यहाँ बिताए हैं। तो मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, मतलब, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं सब जगह चले जाऊँगी। मेरे को टिक्की खानी है और मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तो मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं जाके कुछ ना कुछ खाऊंगी। मैं बहुत चटोरी हूँ उस मामले में। खूब चटपटा खाने का शौक है। रामलीला में भी देखा था हमने आपको माता सीता के किरदार में, और ये डिटेक्टिव का जो आपका किरदार है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? चुनौती, हर कैरेक्टर ही एक चुनौती होता है, तो देखती हूँ कि मेरे को कैसे करने में कितनी चुनौतियाँ आने वाली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आई एम प्रिपेयर्ड कि मुझे किस तरीके के इसको कैसा एक रूप देना है, तो आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड। परसों वर्ल्ड कप है, कितना? अरे हिंदुस्तान इंडिया जीतेगी, हमें मालूम है, पहले से ही मालूम है, हम देखते ही आ रहे हैं, फॉलो कर ही रहे हैं, तो मतलब आई एम तो ऑलरेडी ओवर एक्साइटेड, एंड यस, बेस्ट विशेज टू द इंडियन टीम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।